नमस्कार दोस्तों, श्री समृद्धि क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंतर्गत रखे गए थे, उनका हल करवाने के लिए प्रस्तुत हूँ। चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है आपके 432,262 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 732,946 वर्ग किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 342,239.74 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है आपका 342,263.74 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है 342,239। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये इसका सही आंसर है। इसमें देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी स्थानों के मध्य समय अंतर है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 32 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन सी 35 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन डी 35 मिनट 8 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बिंदु की, अगर हम बात करें तो पश्चिमी बिंदु है आपका कटरा और पूर्वी बिंदु है सिलाना, ढोलपुर के अंतर्गत, और ये जैसलमेर के अंतर्गत। ये जो है इसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हमें समय ज्ञात करने के लिए, समय की गणना के लिए सबसे पहले देशांतरीय अंतर ज्ञात करना होता है। दिए गए जो स्थान है उनका देशांतरीय अंतर ज्ञात करना होता है। देशांतरीय अंतर की अगर हम बात करें तो इसको घटाएंगे 78 डिग्री 17 मिनट में से आप घटाएंगे 69 डिग्री 30 मिनट। अब इसको माइनस करने के लिए हमें पता है कि 17 में से 30 नहीं जा सकते क्योंकि ये इकाई छोटी है। तो यहां देखिए 17 को जब हम 1 डिग्री लेंगे इधर, तो यहां पूरा का पूरा 60 मिनट आएगा। इधर से 1 डिग्री लिया 78 के पास से, तो यहाँ 60 मिनट आया, और जब 60 मिनट आया तो इसको प्लस करने के बाद ये हो जाता है आपका 77, और 77 मिनट में से 30 मिनट आसानी से जा सकते। शेष बचता है आपके पास 47 मिनट। यहाँ 78 डिग्री है, 78 डिग्री में से 1 डिग्री उधर ले लिया था, तो यहाँ बचते हैं आपके पास 77 डिग्री। 77 में से 69 जब जाएंगे तो आपके पास आ जाता है 8 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास जो देशांतरीय अंतर आया दो स्थानों का, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का, वो आया 8 डिग्री 47 मिनट। और इसी 8 डिग्री 47 मिनट को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो देशांतरीय अंतर है समय अंतर उससे गुणा करना है। यानी देशांतरीय अंतर को दिए गए स्थानों के देशांतरीय अंतर को देशांतरीय समय अंतर से गुणा करना है, और देशांतरीय समय अंतर होता है 4 मिनट का, इसको 4 से गुणा करना है। 47 चौक 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। यहां हमेशा ये ध्यान रखना है, यहां मिनट दी हुई है तो मिनट हमेशा छोटी इकाई में परिवर्तित होती है, मिनट बदलेगी आपकी सेकंड में। वहीं हम बात करें डिग्री की, तो 8 चौक 32, और डिग्री बदलती है हमेशा मिनट में। तो इस तरीके से हमारे पास समय आता है 32 मिनट 108 सेकंड। 108 सेकंड है, तो इसको मिनट में वापस कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग देंगे। मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से विभाजित करेंगे, जो 60 का भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा आपके
सॉरी 188 होगा, 6 3 18, 3 मिनट, और बचा आपका 8 सेकेंड। यानी 3 मिनट 8 सेकेंड हमारे पास 188 सेकेंड का आता है। इसमें जब हम प्लस करेंगे 32 मिनट में, हम प्लस करेंगे 3 मिनट 8 सेकेंड को, तो हमारे पास समय आएगा 35 मिनट 8 सेकेंड। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा 35 मिनट 8 सेकेंड, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी बिंदु का समय अंतर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके सामने 8.40%, नेक्स्ट ऑप्शन 9.3%, नेक्स्ट ऑप्शन 11.40%, नेक्स्ट है आपका 10.41%, यानी 10.41%। इसका सही आंसर होगा 10.41%। यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, ये जो क्षेत्रफल है 342,239, वो कितने प्रतिशत है? जब हम इसको प्रतिशत में देखते हैं तो ये आता है आपका 10.41%। इस तरीके से भारत के संपूर्ण भूभाग का राजस्थान 10.41% भूभाग रखता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कर्क संक्रांति व मकर संक्रांति होती है। ऑप्शन है आपके पास 21 जून व 14 फरवरी को, ऑप्शन बी 21 मार्च व 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 21 जून व 14 जनवरी को, ऑप्शन डी 21 जून व 22 दिसंबर को। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, राजस्थान के संदर्भ में बात करें या भारत के संदर्भ में बात करें या विश्व ग्लोब पर बात करें, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की स्थिति पृथ्वी के परिक्रमण के परिणाम स्वरूप कब बनती है, तो उसकी बात करते हैं। ये आपका ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश खींचा गया है और इसी 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या कह दो विषुवत रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है आपकी कर्क रेखा। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश, ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। अब यहां कर्क रेखा या कर्क संक्रांति की जो स्थिति या मकर संक्रांति की जो स्थिति बनती है तो वो किस तरीके से बनती है, ये निर्भर करती है आपके सूर्य के चमकने की स्थिति पर। ये आपके सूर्य देव हैं, सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो ये क्रिया कहलाती है आपकी संक्रांति, और कर्क रेखा पर पड़ती है इसलिए कहलाती है कर्क संक्रांति। इसी तरीके से हम बात करें सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर तो ये कहलाती है आपकी मकर संक्रांति। सूर्य के चमकने की स्थिति के अनुसार जब सीधा चमकता है, कर्क संक्रांति की स्थिति होती है हमेशा 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं और यह कहलाता है कर्क संक्रांति। वहीं हम बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर और ये कहलाती है आपकी मकर संक्रांति। इस तरीके से आपका आंसर होगा 21 जून व 22 दिसंबर। तो इसमें सही आंसर देखिए ऑप्शन डी 21 जून व 22 दिसंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा जिला राजस्थान का कितना प्रतिशत है?
यहाँ ऑप्शन है आपके 10.41%, ऑप्शन बी 12.66%, ऑप्शन सी 11.22%, ऑप्शन डी 7.9%। बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े जिले की। राजस्थान के सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करें तो वो है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 342,239.74 का अगर हम प्रतिशत देखें तो ये प्रतिशत आता है 11.22%। अगर हम इसका प्रतिशत हल करें कि 342,000 का 239.74 का जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 11.22%। नेक्स्ट देखें, राजस्थान का न्यूनतम भूभाग वाला जिला है। ऑप्शन है आपके सामने दोशा, ऑप्शन ए है आपका दोशा, ऑप्शन बी है आपका डूंगरपुर, ऑप्शन सी है आपका प्रतापगढ़, और ऑप्शन डी है आपका बांसवाड़ा। इसमें अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो दौसा जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है। वैसे हम जानते हैं कि राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है वो है आपका धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो दौसा जिले का है। इस तरीके से दौसा इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शन से हल करने होंगे, जरूरी नहीं है इसमें धौलपुर नहीं दिया हुआ है तो उसके न्यूनतम भूभाग वाला जिला ही नहीं है, उससे छोटे वाला। अगर दौसा का नंबर नहीं होता, इसमें दौसा नहीं होता, तो उसके बाद आ जाता आपका डूंगरपुर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करना है, देखना है उसके ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है। ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर। सर्वाधिक भूभाग की बात की है तो सर्वाधिक भूभाग की अगर हम बात करें तो जैसलमेर जिले का राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक भूभाग है, जो भी हम देख चुके हैं 38,401 वर्ग किलोमीटर है, 11.22% भूभाग है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, या यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जो जिला है वो है आपका जैसलमेर जिला। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा जिला 1% से भी कम क्षेत्रफल रखता है? ऑप्शन है आपके चूरू, धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़। अगर 1% से कम क्षेत्रफल की बात करें, कम की बात करते हैं तो कम के अंतर्गत 3,034 वर्ग किलोमीटर जो धौलपुर का क्षेत्रफल है, जब इसको हम प्रतिशत में देखते हैं तो 0.89%, जो कि 1% से कम एकमात्र जो जिला है राजस्थान का वो धौलपुर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्रीय स्थिति रखता है? ऑप्शन है आपके सामने पाली, अजमेर, राजसमंद, नागौर। मध्यवर्ती जिले की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, या फिर ये कहें हम केंद्रीय स्थिति वाला जिला, क्योंकि मध्य में होता वही केंद्रीय होता है,
तो मध्य स्थिति रखता है आपका नागौर। नागौर का लापोलाई गांव आपके भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। वहीं हम बात करें जीपीएस सिस्टम की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका जो गांव है वो है मध्यवर्ती गांव नागौर का मकराना। तो इस तरीके से मध्यवर्ती गांव की जो स्थिति रखते हैं लापोलाई और मकराना। लापोलाई भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार है और मकराना आपके जीपीएस सिस्टम के अनुसार है, या यूं कहें उपग्रह सर्वेक्षण के अनुसार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है उसके अनुसार है। तो जब ये दोनों गांव इसकी स्थिति, ये मकराना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, मकराना जिले के अंतर्गत, तो केंद्रीय स्थिति भी कौन सा जिला रखता है? मकराना, वो सॉरी नागौर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके 12.66%, ऑप्शन बी 15.7%, ऑप्शन सी 20.9% और ऑप्शन डी 18.07%। तो यहां बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। देखते हैं राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो उसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, और राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर का 1070 कितने प्रतिशत है? तो जब हम इस पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो ये बनती है आपके 18.07%। 5920 जो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसका 1070 18.07% है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, वर्टिसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने कोटा बूंदी झालावाड़, ऑप्शन बी जयपुर दौसा सीकर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी डोंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। वर्टिसोल, यहां देखिए वर्टिसोल की अगर हम बात करें तो वर्टिसोल जो मृदा है वो आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत वर्टिसोल जो मृदा है वो आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। और हाड़ौती, जैसा हम जानते हैं कि हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये चार जिले मुख्य स्थान रखते हैं। तो इस हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हैं कोटा बूंदी झालावाड़, ये जिले इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन है आपके सामने एंटीसोल एम एल्डिसोल, ऑप्शन बी वर्टिसोल, ऑप्शन सी एल्फिसोल, ऑप्शन डी मोलिसोल। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का, सर्वाधिक स्थिति पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में जब सर्वाधिक की बात करते हैं तो आपकी एंटीसोल प्लस एरिडिसोल, एंटीसोल प्लस एरिडिसोल ये मृदा सर्वाधिक भूभाग रखती है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश की या पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का कुल 61.11% भूभाग रखता है। थार का मरुस्थल जो पूरा क्षेत्र है वो 61.11% भूभाग वाला है। और इसी के अंतर्गत जो अधिक शुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत एरिडिसोल, और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत एंटीसोल पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है वो एंटीसोल और एरिडिसोल। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित है, यानी चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है 20.03,
इसको लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 डिग्री 3 मिनट कोणा कोणा गांव। ऑप्शन बी है इसमें 30 डिग्री 12 मिनट सिलाना गांव। ऑप्शन सी है इसमें 69 डिग्री 30 मिनट बोरकुंडा। और ऑप्शन डी है इसमें 78 डिग्री 17 मिनट शिला। ये राजस्थान के जो पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी बिंदु दिए हुए हैं उनका देशांतरीय और अक्षांशीय मान दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं। ये उत्तर है, उत्तर में कोणा गांव, कोणा गांव कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं हम दक्षिणी बात करें तो दक्षिण में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं हम पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु है आपका कटरा, कटरा है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। वहीं हम बात करें पूर्वी बिंदु की तो ये है आपका सिलाना गांव धौलपुर जिले के अंतर्गत, और ये है आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में। इस तरीके से इसमें से अगर स्थिति हम देखें तो जो चौथा ऑप्शन है 78 डिग्री 17 मिनट केवल वही सही है, इसके अलावा सारे गलत है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न सर्वाधिक सीमा वाला जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न सर्वाधिक सीमा वाला जिला यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है हिंदू मलकोट से जो कि श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत है, तो इसमें पहला जिला आता है आपका श्रीगंगानगर, इसके बाद आता है आपका बीकानेर, इसके बाद आता है आपका जैसलमेर और इसके बाद आता है आपका बाड़मेर, और बाड़मेर के अंतर्गत बाखासर, बाखासर जो है वो इसका अंतिम स्थान है। यानी प्रारंभ होता है आपका हिंदू मलकोट से और अंत होता है बाखासर बाड़मेर से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल चार जिले हैं जिनकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, इन चारों जिलों की जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट हम बात करें कि श्रीगंगानगर की कितनी लगती है तो 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर लगती है, और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। इस तरीके से अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें तो जैसलमेर जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है 464, वहीं न्यूनतम बनाता है आपका बीकानेर, बीकानेर बनाता है न्यूनतम सीमा और जैसलमेर बनाता है सर्वाधिक सीमा, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। देखिए न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा की बात की है तो अगर हम न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें
पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंतर्राज्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अंतर्राज्य सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो ये है 4,850 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। वहीं हम राजस्थान के जिलों में अगर सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा बनाता है वो बनाता है आपका झालावाड़। झालावाड़ 520 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। वहीं हम बात करें न्यूनतम की, कि न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो बनाता है आपका बाड़मेर। ये है आपकी 14 किलोमीटर। देखिए यहां भी अगर हम अंतर्राज्य सीमा के साथ एक शब्द जोड़ दें, अंतर्राज्य सीमा ये है, और इसके साथ अगर यहां दिया हुआ है कि न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा बनाता है, जैसा कि क्वेश्चन में न्यूनतम, इस न्यूनतम के साथ एक शब्द प्लस करें स्थलीय, तो यहां हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। स्थलीय का मतलब है यहां है कि केवल एक ही राज्य से घिरा हुआ जिला, तो एक ही राज्य से घिरा हुआ जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहां आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा न्यूनतम स्थलीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्य स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, ये केवल 16 किलोमीटर बनाता है। यहां हम बात करें कि यहां बाड़मेर क्यों नहीं आया, तो बाड़मेर की जब स्थिति हम देखते हैं तो ये आपका गुजरात के साथ प्लस पाकिस्तान, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा, इस तरह से दो सीमाओं का निर्धारण करता है। और यहां अगर हम भीलवाड़ा की बात करते हैं तो केवल और केवल अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करता है, और भीलवाड़ा एमपी से सीमा बनाता है, केवल और केवल किससे बनाता है? एमपी से। इसलिए जब स्थलीय की बात आती है कि न्यूनतम स्थलीय सीमा किसकी है, तो वो आती है आपकी भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें सही आंसर होगा आपका बाड़मेर। यहां स्थलीय शब्द नहीं लिखा हुआ है, यहां न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण, तो बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। ऑप्शन है आपके श्रीगंगानगर जैसलमेर, श्रीगंगानगर चूरू, श्रीगंगानगर बाड़मेर, और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। तो यहां बात कर रहे हैं हम अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय, यानी ऐसे कौन से जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी बनाते हैं। तो ऐसा आपका अगर हम इस की बात करें तो यहां आपका श्रीगंगानगर और यहां आपका बाड़मेर जिला है। ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी। अंतर्राष्ट्रीय की हम बात करें तो ये दोनों ही जिले आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानी जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं हम बात करें कि अंतर्राज्य कौन सी बनाते हैं, तो यहां पंजाब के साथ आपका श्रीगंगानगर सीमा बनाता है, और बाड़मेर की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के साथ बनाता है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ये पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं, इधर श्रीगंगानगर पंजाब के साथ बना रहा है, और इधर गुजरात बाड़मेर। तो इस तरीके से अंतर्राज्य प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा बनाने वाले जिले हैं, जिसके अंतर्गत आप श्रीगंगानगर और बाड़मेर को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या है। तो यहां अगर हम संपूर्ण सीमावर्ती जिलों की बात करें तो दो तरह की सीमाएं बन गई, एक तो आपकी रेड क्लिफ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत चार जिले आते हैं, श्रीगंगानगर,
फिर इसके बाद आता है बीकानेर, इसके बाद आता है जैसलमेर और इसके बाद आता है आपका बाड़मेर। इस तरीके से चार जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बात करें हम अंतरराज्य की कि अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो अंतर्राज्य सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आपके 21 जिले हैं जो आपके केवल अंतर्राज्य बनाते हैं। यहाँ हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य बनाते हैं। तो कुल की अगर हम बात करते हैं तो कुल 25 हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य सीमावर्ती जिलों की। जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं 25, और केवल अंतर्राज्य पूछे तो आएगा 21। केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो यहाँ दो जिले ये कम हो जाएंगे, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राज्य वो अंतर्राष्ट्रीय में आएगा दो जिले, कौन कौन से, एक बीकानेर होगा और एक जैसलमेर। इस तरीके से दो जिले होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सही आंसर होगा 25, कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 25। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, ऑप्शन ए नील हिमवंत की पहाड़ी, ऑप्शन बी गंधमादन की पहाड़ी, ऑप्शन सी हेमकूट की पहाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो नील हिमवंत की पहाड़ी, गंधमादन या हेमकूट, ये तीनों एक ही पहाड़ी के नाम है, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट है बीजक की पहाड़ी स्थित है, बीजक की पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन है अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। बात करते हैं बीजक की पहाड़ी। देखिए बीजक की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो बीजक की पहाड़ी है आपकी जयपुर के अंतर्गत। इन्हीं बीजक पहाड़ियों को हम मेड़ गांव की पहाड़ियां भी बोलते हैं, इन्हीं पहाड़ियों को हम गणेश डूंगरी भी बोलते हैं, इन्हीं पहाड़ियों को हम भीम डूंगरी भी बोलते हैं। ये विराटनगर के अंतर्गत है जयपुर में, जहां से आपकी जो एक रुंडित नदी है बाणगंगा, इस बाणगंगा नदी का उद्गम इन्हीं पहाड़ियों से होता है, बीजक की पहाड़ियों से। इस बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहते हैं, इसी को ताला नदी भी कहते हैं, इसी को आप अर्जुन गंगा भी कह सकते हैं, इसी को हम अर्जुन गंगा भी कहते हैं। रुंडित नदी क्या होती है, जब कोई नदी अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है तो वो कहलाती है रुंडित नदी। तो इस प्रकार से जो बाणगंगा है यमुना में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, और ये यमुना में मिलने वाली सहायक नदी है यमुना की। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार है, ऑप्शन है आपके झालावाड़ का पठार, रोही का मैदान, आबू पठार और बनास बेसिन। तो काली मृदा की बात कर रहे हैं आप। काली मृदा की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है राजस्थान का, हाड़ौती का पठार, इस हाड़ौती पठार के अंतर्गत काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और ये काली मृदा का निर्माण किससे होता है, ये लावा निर्मित है, जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा निकलता है उसमें अपक्षय क्रिया के परिणाम स्वरूप ये निर्मित हुआ है, और इसका जो रंग होता है वो होता है काला। यहां पूछा गया है कि सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार किस जिले में है या किस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो यहाँ हाड़ौती के अंतर्गत जो झालावाड़ की उच्च भूमि क्षेत्र है, या फिर यूं कहें कि झालावाड़ का जो पठार है, झालावाड़ का पठार, इसमें सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार किसमें पाया जाता है, तो झालावाड़ का पठार, या यूं कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले के अंतर्गत। पाई तो पूरी हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है झालावाड़ का पठार। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रकार के बालुका स्तूपों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, सभी प्रकार के
बालू के स्तूपों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर। देखिए सभी प्रकार के अगर बालू का स्तूपों की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बालू का स्तूप क्या होते हैं। इधर से पवन चल रही है, पवन के तीव्र वेग के कारण पवन का जो वेग होगा वो सामान्य से अधिक होगा या तीव्र वेग की स्थिति के कारण एक बार पवन का द्वारा बालू का अपरदन किया जाता है और अपरदन के बाद अपरदन करके उसका निक्षेपण किया जाता है और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृति बनती है या टीले जो बनते हैं इसको हम कह सकते हैं टीले नुमा बालू के ढेर जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बालू का स्तूप, या सीधी सिंपल भाषा में कहें तो रेत के टीले ही क्या है, बालू का स्तूप, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मुख्यतः पाए जाते हैं। यहां ये ध्यान रखना है कि जो बालू के टीले हैं वो निक्षेपण क्रिया पवन द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति है, ना कि अपरदनात्मक। हाँ, अपरदन कार्य होता है इसमें, लेकिन स्वरूप किस में मिलता है, निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो जमाव हो जाता है तब। तो यहां अगर हम बात करें कि सर्वाधिक या सभी प्रकार के कौन से जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रकार के तो वो जोधपुर जिले के अंतर्गत, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से हम बात करें कि सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं तो जैसलमेर में। सभी प्रकार के पाए जाएंगे आपके जोधपुर के अंतर्गत और सर्वाधिक संख्यात्मक दृष्टि से पाए जाएंगे जैसलमेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आंसर होगा जोधपुर। सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप है, ऑप्शन है आपके सामने तारानुमा, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी बरखान, ऑप्शन डी सीप। सर्वाधिक विनाशकारी, यहां देखो अभी हमने बात की कि तीव्र वेग पवन का जिस बालू का स्तूप के निर्माण में गति सर्वाधिक होगी वही क्या होगा, विनाशकारी होगा। तीव्र वेग होगा तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा, वो विनाशकारी, और जब सर्वाधिक विनाशकारी होगा या सर्वाधिक विनाशकारी की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जो गति होती है, सर्वाधिक जो वेग होता है वो होता है आपके बरखान में। बरखान के अंतर्गत जो पवन की गति होती है वो सर्वाधिक होती है और इसी कारण से ये रेत को बड़ी तेज गति से उड़ा के लेके जाता है और ये मरुस्थल प्रसार में भी सहायक है या उसके लिए भी उत्तरदायी है। और ये जब तेज गति से चलता है तो मतलब विनाशकारी भी है, इसलिए सर्वाधिक जो विनाशकारी होगा वो बरखान होगा। और बरखान की अगर हम बात करें तो ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप हेयर पिन के समान स्थलाकृति में बनता है? निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप हेयर पिन के समान स्थलाकृति में बनता है? ऑप्शन है आपके बरखान, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी सीप। तो यहां हेयर पिन के समान अगर स्थलाकृति की बात करें तो जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये हेयर पिन के समान, जो महिलाएं माताएं बहनें सर में हेयर पिन डालती हैं उसके समान स्थलाकृति का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप हैं। ऑप्शन है आपका तारानुमा, पैराबोलिक, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ। यहां हम देखते हैं एक चीज कि बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं वो कौन से होते हैं और विपरीत जो बनते हैं वो कौन से होते हैं।
यहाँ दो एक शब्द आया है वायु की दिशा के समानांतर। वायु की दिशा के समानांतर जो बनते हैं वो होते हैं आपके अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, इन्हीं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों को हम रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं, इन्हीं को हम रेत कटक भी कहते हैं। ये दिखते ऐसे हैं जैसे तलवार खड़ी हो, तो तलवार सदृश भी कहा जाता है इनको, तलवार सदृश भी होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इन्हीं को अलभ स्तूप भी कहा जाता है, इन्हीं को अलभ स्तूप भी कहा जाता है। देखिए एक ही प्रकार के बालुका स्तूप हैं, लेकिन इनके स्वरूप के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप कहलाते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों को ही एक रेखा के क्रम में होते हैं, एक रेखीय स्वरूप में होते हैं, इसलिए इन्हें रेत वो रेखीय बालुका स्तूप भी कहा जाता है। रेत की एक लंबी कटक के जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें रेत कटक भी कहा जाता है। तलवार सदृश्य होते हैं, तलवार जो होती है एक लंबी, उसकी जो धार होती है उसके समान प्रतीत होते हैं, यानी एक तलवार की आकृति, इसलिए तलवार सदृश्य कहते हैं, और इन्हीं को अलभ स्तूप भी कहा जाता है। यहां हमने बात की वायु के दिशा के समानांतर, और नेक्स्ट हम बात करें वायु की दिशा के विपरीत। वहां हम बात कर रहे थे समानांतर, और यहां हम बात कर रहे हैं विपरीत। विपरीत कह दो या संपूर्ण कह दो, या इसी को लंबवत कह दो, विपरीत कह दो या समकोण कह दो या लंबवत। वायु की दिशा के विपरीत समकोण या लंबवत बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं वो होते हैं अनुप्रस्थ। वायु की दिशा के समानांतर जो बनते हैं वो अनुदैर्ध्य, और वायु के दिशा के विपरीत या समकोण या लंबवत जो बनते हैं वो होते हैं अनुप्रस्थ। यही हम बात करें कि अनुदैर्ध्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो अनुदैर्ध्य का सबसे अच्छा उदाहरण होता है सीप, और अनुप्रस्थ का जो होता है वो होता है बरखा। और सर्वाधिक तीव्रता की भी हमने बात की थी, सर्वाधिक तीव्रता भी बरखान के अंतर्गत ही होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार है, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार है। ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 61.11%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 68%। यहां हमसे पूछा गया है भारत में मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल के अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल का जो कुल विस्तार है वो दो देशों के अंतर्गत है, एक है आपका भारत और दूसरा है पाकिस्तान। भारत प्लस पाकिस्तान इन देशों के मध्य, भारत के अंतर्गत ये 85% है और पाकिस्तान के अंतर्गत ये 15%। जबकि इस कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 317,000 लगभग इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है थार के मरुस्थल का, भारत और पाकिस्तान में। इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें से 85% जो है वो आपका भारत के अंतर्गत है और पाकिस्तान के अंतर्गत 15% है। भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या चूलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान या चूलिस्तान। वहीं हम बात करें कि ये 85% कितने राज्यों में है, तो चार राज्यों में है, एक आपका पंजाब, एक आपका हरियाणा, एक आपका राजस्थान और एक आपका गुजरात, इन चार राज्यों में ये 85%। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए आने वाले कंपटीशन में, लाइब्रेरी के लिए और अन्य एग्जामों में। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं।